लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और हमास की जंग में अब इजराइल बैकफुट पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कमर टूट गई है। जो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है वो इजराइल के शर्मनाक हार के तौर पर सामने आ रही है। हमास के आगे अब इजराइल ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके तहत यह बताया गया है कि इजराइल की हालत इस वक्त इतनी खराब है कि वो गाजा में घुस पाने के स्थिति में नहीं है। इसी कारण से उनका जो ग्राउंड ऑपरेशन है जिसका ढिंढोरा दुनिया भर में पीटा जा रहा है कि लाखों इजरायली सैनिक गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं, खूब हथियारों का जखीरा है, टैंक है, गोले बारूद है, उसको लेकर इजरायली सैनिक गाजा में घुसेंगे, हमास को बर्बाद कर देंगे, गाजा को लाशों का ढेर बना देंगे, वो सब सिर्फ मीडिया में हवा हवाई बातें बनकर रह गई है। दरअसल इजराइल इस वक्त उस स्थिति में है ही नहीं कि वो गाजा पट्टी में घुस जाए। इसको लेकर खूब रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हमास के लड़ाकों की तैयारी ऐसी होती है कि इजरायली सैनिक एक नमूना देख चुके हैं। इजराइल के सैनिक घुसे भी थे गाजा में, कुछ टुकड़ी उनकी गई थी, लेकिन हमास के लड़कों ने ऐसा खदेड़ा, इनके जो फ्रीडम फाइटर्स कहे जाते हैं उन सब ने इजरायली सैनिकों की ऐसी वाट लगाई है कि वो सब वहां से भाग खड़े हुए। किसी की मौत भी हुई है, दूसरी तरफ वो अपने हथियार गोला बारूद सब छोड़कर भागे। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है कि इजराइल के पास हथियार गोले बारूद या फिर उनके सैन्य शक्ति की कमी है, मामला कहीं और भी फंस गया है और इस बार मामला पॉलिटिकली भी फंसा है। वही हम आपको बताने जा रहे हैं। ईरान ऑब्जर्वर ने एक ट्वीट किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से लिखा है, हम उस रिपोर्ट को भी आपको दिखाएंगे। यहां कहा जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रिफ्यूज टू साइन एन ऑर्डर टू लॉन्च अ लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन इन द गाजा स्ट्रिप फॉर फियर ऑफ लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इफ इट फेल्ड। बहुत बड़ी खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडलाइन में भी आप उस चीज को समझ जाएंगे। इसका मतलब समझ लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने रिफ्यूज कर दिया है ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी देने से, उस पर वो साइन ही नहीं कर रहे हैं, उस आदेश को वो अब नहीं जारी कर रहे हैं कि जाइए ग्राउंड ऑपरेशन करके गाजा में तबाही मचा कर आइए, उन्होंने मना कर दिया है। क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकली बेंजामिन नेतन्याहू फंस गए हैं। मुश्किल यह है कि अगर यह ऑपरेशन फेल हो गया, जैसा कि पूरी आशंका है कि अगर इजराइल के सैनिक वहां IDF अगर घुस भी गई भीतर गाजा में, तो हमास के लड़ाके उन सब की कब्र खोद सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर ऑपरेशन फेल हो गया और जो अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर इजराइल इस वक्त आरोप झेल रहा है कत्लेआम का, युद्ध नियमों के उल्लंघन का और अमेरिका से मिल रही मदद में कमी के भी खबरें खूब आने लगी हैं, तो तमाम मोर्चों पर इजराइल गिर गया। बाकी अलग अलग देश तो इनके ऊपर हमला कर ही रहे हैं, अरब देश जितने भी हैं, चाहे आप पश्चिमी एशिया में अमेरिका की हालत खराब है, मिडिल ईस्ट से कई ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं, जिसमें लेबनान है, सीरिया है। अब ये सारे देश अगर फिलिस्तीन के साथ हैं तो इजराइल हर मोर्चे पर सिर्फ जंग ही तो लड़ रहा है। फिर भी अगर खोखला दावा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जो नेतन्याहू कल तक ये दम्भ भर रहे थे कि वहां हम इजराइल से अपने सैनिकों को भेजेंगे, वो गाजा में कत्लेआम मचा देंगे, ग्राउंड ऑपरेशन होकर रहेगा, तो इस मामले में अमेरिका ने भी तो इजराइल का साथ छोड़ दिया ना। खैर, इस रिपोर्ट से यही पता चल रहा है कि उनके जनता ही विद्रोह कर देगी अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो। वैसे भी नेतन्याहू की साख इजराइल में गिरती जा रही है, अगर जनता ने फिर से सड़क पर उतर के विरोध शुरू कर दिया तो नेतन्याहू कहां के रहेंगे, इस बात का डर उन्हें सताने लगा है। इस संबंध में जो हमारे पास रिपोर्ट है वो जरा देखिए, हेडलाइन में कहा गया है, इजराइल्स आर्मी इज रेडी टू इन्वेड गाजा, इट्स डिवाइडेड, गवर्नमेंट मे नॉट बी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के इस हेडलाइन से समझिए कि द्वंद्व की स्थिति है। एक और जहां जो ऑर्डर की कॉपी साइन होने के लिए इनके पास गई थी, नेतन्याहू साहब के पास, जो उनके सैन्य कमांडर हैं उन लोगों की मांग है कि चलिए आप हमें आदेश दीजिए, हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, लेकिन नेतन्याहू यहां फंस गए। अमेरिका का दबाव है,
दूसरी तरफ खुद अपने ही देश में उनके खिलाफ विद्रोह की लहर है। इन सब मोर्चों को देखते हुए उन्होंने इस मामले पर साइन अब तक किया ही नहीं है, यही बात इस रिपोर्ट में बताई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो अंग्रेजी में लिखा है, हम उसका हिंदी रूपांतरण आपको बताते हैं। इस खबर में कहा जा रहा है कि गाजा सीमा पर इजराइल के सैनिक जमा हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार भी रखा गया है, लेकिन 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और 3 इजरायली अधिकारियों के अनुसार इजराइल के राजनीतिक तबके में और फिर जो सैन्य नेता हैं इस बात को लेकर बटे हुए हैं कि कैसे, कब और यहां तक कि आक्रमण करना भी है या नहीं। और इसी उहापोह के स्थिति में गाजा में घुसने का प्लान, ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने का प्लान सब ठंडे बस्ते में पड़ता चला गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चेतावनी दी कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करना सही नहीं होगा। कई कारण हैं। एक तो जो इजरायली सैनिक हैं उनकी कैजुअलिटीज बहुत अधिक हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ यह जो परिस्थिति है, राजनीतिक दबाव है नेतन्याहू पर, वो भी इसमें देखा जा रहा है कि कहीं नेतन्याहू यह काम करके उल्टा फंस ना जाए, उनके गले की हड्डी यह ग्राउंड ऑपरेशन ना हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन फेल हो सकता है, इसके पूरे चांसेस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भी है कि नेतन्याहू, जिन्होंने नागरिकों के क्रूर नरसंहार के लिए हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई, इजरायली नेता है नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि अभी तक इस बात पर सहमत नहीं हुए कि ऐसा कैसे किया जाए। हालांकि सेना के बारे में कहा जा रहा है कि शुक्रवार तक वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन यहां पर चिंता की वजह भी एक देखिए जरा। कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ नेताओं को चिंता है कि एक आक्रमण से इजरायली सेना गाजा के अंदर एक कठिन शहरी लड़ाई में फंस सकती है। अन्य लोगों को व्यापक संघर्ष का डर है। हमास, हिजबुल्लाह से संबद्ध लेबनानी मिलिशिया इजरायली शहरों की ओर लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहे हैं। इस मोर्चे पर तो जंग चल ही रहा है, ये बातें हमने आपको शुरू से ही बताई हैं। लेकिन नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसे भी जरा समझिए। यहां चल रहा है कि इस बात पर भी बहस चल रही है कि आक्रमण एक बड़े ऑपरेशन के जरिए किया जाए या छोटे ऑपरेशनों की श्रृंखला के जरिए। और फिर सवाल यह भी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया तो उस पर शासन कौन करेगा। यहां आगे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिण पंथी पार्टी लिकुड के एक वरिष्ठ विधायक डैनी डैनन ने कहा है कि आपके पास अलग अलग राय वाली कैबिनेट है। इजरायली संसद में विदेशी मामलों और रक्षा समिति के सदस्य श्री डैनन ने कहा, कुछ लोग कहेंगे कि हमें शुरुआत करनी होगी, फिर हम अगले चरण के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नेतृत्व के रूप में, राजनेता के रूप में हमें लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और लक्ष्य बहुत स्पष्ट होने चाहिए। उन्होंने कहा है यह स्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए पॉलिटिकली नेतन्याहू घिर जाएंगे, वहां विरोध हो जाएगा, गाजा में शासन कौन करेगा, इजराइल में अगर इस बात को लेकर बवाल मचा, विद्रोह हुआ तो नेतन्याहू कैसे इन चीजों को हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि गाजा में कई इजरायली सैनिक भी बंधक बनाए हुए हैं, कई इजरायली नागरिक बंधक बनाए गए हैं, तो इन तमाम मोर्चों पर इनकी हालत खराब होने वाली है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भी है कि विश्लेषक के हिसाब से, एनालिस्ट के हिसाब से, विश्लेषकों का मानना है कि श्री नेतन्याहू एक तरफा हरी झंडी देने से सावधान है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जनता का विश्वास पहले से ही कम हो रहा है, उन्हें ऑपरेशन विफल होने पर दोषी ठहराए जाने का डर है, ये वो बता रहे हैं। लेकिन देखिए इजराइल कितने द्वंद्व में फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो भारत में गोदी मीडिया है उन्होंने तो एकदम लहर मचा रखी है। खबरें ऐसे ऐसे हेडलाइन थंबनेल चल रहे हैं कि जैसे इजराइल ने तो गदर ही मचा दिया है। कुछ हमने यूट्यूब के स्क्रीनशॉट लिए हैं, जरा देखिए। इजराइल ने इतनी तबाही मचाई कि पूरा गाजा पट्टी शमशान बन गया। इजराइल ने जंग में उतारा सबसे ताकतवर हथियार। गाजा में घुसने को तैयार इजरायली सेना। ऐसा हो गया हमास का हाल। मतलब इस तरीके से खबरें आई है। गाजा की तबाही सबसे बड़ी गवाही। इजराइल की एयरफोर्स ने मचाई तबाही। मच गई चीख पुकार। देखिए वीडियो, रात भर इजराइल ने गाजा पर बरसाए ताबड़तोड़ बम। तो इस तरीके से खबरें खूब फैलाई गई, लेकिन असलियत क्या है, इजराइल कहां नाकाम हो गया, कैसे हमास के आगे घुटना टेक रहा है, इस रिपोर्ट में आप बखूबी समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।